दोस्तों अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेट जी के पॉइंट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के कृषि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे? वर्तमान में कौन कृषि मंत्री हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। विश्व में भारत का दलहन उत्पादन कितना है? 62% है। भारत सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है? 22 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में मसूर की MSP क्या है? 5500 रुपये है। वर्ष 2022-23 के लिए धान का MSP क्या है? 2040 रुपये है। MSP की सिफारिश कौन करता है और धान गेहूं के लिए मूल्य जारी कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कौन सा संगठन गन्ने के मेला और प्रसमिक FRP को मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति देती है। सरकारी MSP और बाजार मूल्य का अंतर जो WTO द्वारा किसानों के सीधे भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 में किस उपकरण से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे? स्मार्टफोन टेबलेट के द्वारा किए जाएंगे। याद अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन निर्वाह खेती की जाती है। जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में मिर्चा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। खरीफ फसलों की समयावधि क्या है? जुलाई से अक्टूबर है। रबी फसलों की समयावधि क्या है? अक्टूबर से मार्च है। जायद फसलों की समयावधि क्या है? मार्च से जून है। औषधि और सुगंधित पौधों के मामले में विश्व बाजार में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 7% हिस्सेदारी है या 6ठे स्थान पर है। झूम कृषि या स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। देश में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 64 है। ICR में ड्रीम्स विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? केवल 4 है। फलों की उत्पादकता में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं? तो कितने वृक्ष हैं? 400 मिलियन वृक्ष हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रतापगढ़ करता है। तियरा भूमि से क्या तात्पर्य है? जरूर मैदान है। सब्जी उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात हैं। बगानी फसल उत्पादक राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। ई नेम की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2016 को हुई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? 26 मई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 31 मई 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मई 2017 में हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2016 को हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2018-19 में हुई थी। कृषि निर्यात नीति कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई थी? 12 सितंबर 2019 को हुई थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, प्रभावी 1 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।